गुड मॉर्निंग गाइस, आज दिसंबर का 12 तारीख है। दिसंबर महीना भी ख़त्म ही होने वाला है, तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत 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 ही बड़ा गुड न्यूज़ है, मतलब बहुत ही बड़ा अपडेट्स एक आया है आप लोगों के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन हम लोग डेटा सबमिशन के बारे में कुछ बातें करेंगे और ज्वाइनिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे, उसके बाद गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। ये एक कन्फर्म न्यूज़ निकल के आया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो मुझे आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो अपडेट्स क्या है। तो सबसे पहले बातें करेंगे डेटा सबमिशन के बारे में। देखिए, डेटा सबमिशन आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, सभी जोन का डेटा सबमिट हो चुका है, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो अभी काम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और सभी जोन का ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। अब कुछ ही मतलब एक दो जोन बचा है जिसका अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, साइन का काम चल रहा है, मतलब रजिस्टर साइन का काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 तारीख से पहले सभी डेटा भी सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए, ज्वाइनिंग का प्रोसेस बोले तो ज्वाइनिंग अभी तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जो आपको रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया था वहाँ पे 5 दिसंबर 10 दिसंबर से पूरा दिसंबर महीना आपका ज्वाइनिंग रहेगा ऐसा कहा गया था, लेकिन वो झूठ था, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और दिसंबर महीना में ना ही कोई ज्वाइनिंग होगा आपका। जब तक आपका QR कार्ड और ईस्टम कार्ड लिंक नहीं होगा तब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। जब लिंक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिस जोन से लिंक प्रोसेस स्टार्ट होगा वही जोन से आपका ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ज्वाइनिंग प्रोसेस का भी कोई अपडेट्स नहीं है। फिर भी आप लोगों को मैं बता दूं, दिसंबर लास्ट से या जनवरी का अंत तक आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, तो देखते हैं ये कितना सच है, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। तो आज के अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं, आज के अपडेट्स क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, आज के अपडेट्स है आपका लिंक के बारे में, आपका QR कार्ड और ईश्रम कार्ड के लिंक के बारे में। इसके बारे में एक कंफर्म न्यूज़ मिला है कि आपका QR कार्ड और ईश्रम कार्ड 25 दिसंबर से लिंक होना शुरू होगा, वो भी आपका बिहार के जहाँ पे बिहार में जो भी माल गोदाम है उस साइड से आपका लिंक होना शुरू होगा ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत 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 ही बड़ा गुड न्यूज़ है। जब आप लोगों का लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों का ज्वाइनिंग भी पक्का है। लिंक होने के बाद आप लोगों का फ़ोन में एक मैसेज आएगा, तो मैसेज आ गया तो आप लोगों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। आपका दिल्ली या बिहार साइड से आपका लिंक होना शुरू होगा और जहाँ से लिंक होना शुरू होगा वहीं से ज्वाइनिंग भी स्टार्ट होगा ऐसा सुनने में आया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो अब देखते हैं कि लिंक होने के बाद ज्वाइनिंग होता है कि नहीं, लेकिन 25 तारीख से आप लोगों का लिंक प्रोसेस शुरुआत होगा, मतलब स्टार्ट होगा, ये कंफर्म न्यूज़ बताया गया है। तो देखते हैं ये भी होता है कि नहीं, लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है अभी तक तो उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर से आप लोगों का लिंक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर लिंक प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप लोगों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो बस यही था अपडेट्स आपका लिंक प्रोसेस के बारे में, तो आपका लिंक भी जल्दी ही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल यही था कि लिंक कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, सैलरी का मीटिंग कब होगा। देखिए, जब आप लोगों का लिंक हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो आप लोगों का ज्वाइनिंग कैसे होगा, मतलब जब लिंक हो जाएगा ईश्रम कार्ड में, मतलब लेबर कार्ड के साथ में जब लिंक हो जाएगा, मैसेज आएगा, तभी आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री से भी जितने भी मतलब फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगे, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री से जितने भी फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगे, तो मतलब दोनों को मिला के जितने भी फैसिलिटीज़ है सब मिलेंगे आप लोगों को, इसीलिए ये लिंक करवाया जा रहा है। अगर आप लोगों का लिंक हो गया है तो अच्छा है, लेकिन अब मतलब 25 तारीख से लिंक होने वाला है तो सभी का लिंक हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग भी सभी का एक साथ में ही होगा, मतलब जहां से लिंक स्टार्ट होगा वहीं से ज्वाइनिंग हो के आएगा ऐसा सुनने में आया है। तो अब देखते हैं कि ये कितना सच है और कितना झूठ है।
और एक अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, तो वो अपडेट्स मैं कल दे दूंगा। ये तो और भी अच्छा अपडेट्स है आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो में चैनल में बने रहिए तो आप लोगों को वो अपडेट्स भी मिल जाएगा। बस यही था आज का अपडेट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMJSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।